जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नाम दो। आज मैं आपको बताऊंगा BASF हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है किस तारीख को होगा। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं 27 नवंबर, 20 नवंबर, तो आप टेंशन मत लें, मैं आपको पूरी सटीक जानकारी दूंगा। तो जब अपन यानी मैं BASF ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया था तो मेरा जो सेंटर था वो मैं गुड़गांव भरा था, और मेरा जो रनिंग के लिए गया था वो हिसार गया था, BASF बटालियन हिसार में अब मेरा रनिंग हुआ था, जो कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मेरा मतलब एडमिट कार्ड चेक किया, उसके बाद अंदर किया, अंदर कराने के बाद सब अपना ये बैग वगैरह रख दिए, उसके बाद ठेला में भरे, और ठेला में भरने के बाद रनिंग के लिए ले गए। तो वहाँ 5 किलोमीटर रनिंग करना था, तो हमारा रोड पर ही हाईवे पर रनिंग हुआ था, तो हाईवे में जाके हमको ले गए वहीं पर, और 5 किलोमीटर के पहले छोड़ दिए, फिर सीधा वहीं से दौड़ना था। तो मैं जो अपना रनिंग किया था वो 20 मिनट में मार दिया था। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट चेक हो गया था, तो उसका अपडेट वो जो फौजी साहब थे वो बोले थे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 नवंबर का होगा, और बोले थे किसी के झांसे में मत आएँ, कुछ घुस उस नहीं चलती है। बोले थे कि कोई बोलेगा कि पेपर में आपका जुगाड़ बन जाएगा, कोई जुगाड़ नहीं चल बनता अंत है, तो सीधा आप पढ़ाई में फोकस करें। और बहुत से यूट्यूबर वाले बोल रहे हैं 20 को होगा, 27 को होगा, किसी के झांसे में ना, जब होगा तो आपको SMS कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें आपका डेट लिखा होगा, किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि 27 नवंबर को होगा, 20 नवंबर को होगा, इतने को होगा, उतने को होगा, तो किसी के झांसे में नहीं आना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और यही थी, और अभी मेरा SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेरा अभी आने वाला है रनिंग के लिए, तो उसका मैं तैयारी कर रहा हूँ, और उसमें 1600 मीटर दौड़ मारना है 6.5 मिनट में, तो वो तो हो ही जाएगा। और भाई आर्मी वाले बंदे हैं तो पतले ही रहते हैं, और तो भाई कोई मजाक मत उड़ाना कि पतला है, तो पतले ही रहते हैं आर्मी वाले। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मैं जो कि अपने चेहरे के साथ डाल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और नई जॉब से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो आती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।